में आया कि इसमें दिया क्या है। ये केंद्र के बजट से पहले बजट इन्होंने वाचन किया है, इसमें किसी तरह की न तो कोई योजना है, न कोई जनहित की कोई स्कीम लेकर के आए हैं, न इन्होंने किसान की बात की है, न नौजवान की बात की है। 4 लाख भर्तियों की बात करने वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि 8 महीने में आपने हमारी जो भर्तियां निकाली हुई और जो एग्ज़ाम्स करके रिजल्ट आउट हो गए थे उनको भी आप लोग नौकरी नहीं दे पाए। अभी 10 दिन पहले दिया है तो अभी 1 लाख भर्ती ये कहाँ से कर देंगे और 4 लाख भर्ती कहाँ किस विभाग में देंगे, किस तरीके की देंगे, संविदा की देंगे या परमानेंट सर्विस देंगे, क्या देंगे, कोई विजन नहीं है। कागजी घोषणाएं लगी, कागजी घोषणाएं हैं 100%। और मुझे बड़े तकलीफ हुई कि जब कृषि का बजट पढ़ रहे हैं और कृषि मंत्री गायब है और ये पता ही नहीं है कि कृषि मंत्री आज की तारीख में उनका इस्तीफे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा और आपस में जो नूरा कुश्ती चल रही है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। किले और महलों की बातें होती रही, किसान की, नौजवान की, दलित की, पिछड़े की और गरीब की कोई बात नहीं हुई। स्वर्ण कास्ट के जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं हुई। तो कोई विजन नहीं है इनका, गांव को तो बिल्कुल भूल ही गए ये किसान। कुमारी कह रही थी कि खजाना खाली मिला था, पिछली सरकार ने जो काम किया उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही। वो तो खजाना तो जिन्होंने बजट बनाया है वही पहले बना रहे थे, वही अब बना रहे हैं, अधिकारी चेंज नहीं हो। नहीं वो तो क्यों हो, अच्छा काम करे तो क्यों हो, कोई बात नहीं, हमें तो हम तो कहते नहीं चेंज हो। लेकिन कहने की बातें हैं, इस बजट में पूरी तरीके से राजस्थान की जनता को पूरी तरीके से निराश किया है और जो अंतरिम बजट था वही लागू नहीं हुआ, तो इस बजट की तो बात ही करना बेमानी है। विपक्ष आज खूब हंगामा कर रहा था सदन में। नहीं हंगामा नहीं, हमने बजट को सुना, लेकिन बीच बीच में अब ये बात तो पूछनी पड़ेगी कि आप कृषि की बात कर रहे हो और आपका कृषि मंत्री आपसे रूठ करके गायब है, इस्तीफा दे रहा है, तो उसकी बात तो पूछनी पड़ेगी ना कि भाई क्या स्थिति है आज की तारीख में सरकार में, कृषि मंत्री है कि नहीं और इस बजट में कृषि मंत्री के विजन को समावेश किया गया है कि नहीं किया गया। राजेंद्र राठौड़ को भी आपने आज शिद्दत से याद किया है, वो अलग ही गैलरी में बैठे। ये अलग बात है, देखिए वो तो किस्मत की बातें हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ पार्लियामेंट्री व्यक्ति हैं और 7 बार सदन में आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो होते तो आज नज़रिया दूसरा होता। बजट से बिल्कुल एक तरीके से कोई आशा की उम्मीद आपको नहीं, अगर धरातल पर उतरता है तो? मैं धरातल पे उतरने वाला बजट है ही नहीं, आंकड़ों का माया जाल है जो बना करके प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि जब तक केंद्र का बजट नहीं आता इनके पास कोई सामान है ही नहीं कि ये किसी को भलाई कर दें या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें। आप बताइए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर 1 मिनट भी नहीं बोले, कृषि के ऊपर 2-2.5 मिनट बोले, युवाओं के ऊपर 1 मिनट बोले, तो फिर किसके लिए बोले? अब महलों और किलों इनके लिए बोलने से गरीब का पेट नहीं बनेगा। बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बजट को आंकड़ों का मायाजाल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, नौकरियों की बात है कैसे मिलेगी इसका कोई विजन नहीं है, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा नहीं बोला गया, टूरिज्म पर विशेष फोकस किया गया और जिस तरीके से दिया कुमारी राजपरिवार से आती हैं वो कह रहे हैं कि महलों और किलों पर फोकस ज़्यादा किया गया है। तो आज बजट में हम देख रहे थे, जब स्पीच बजट पढ़ा जा रहा था उस वक्त भी विपक्ष बीच बीच में हंगामा कर रहा था इस बात को लेकर भी कि ERCP को लेकर जो घोषणा वो कांग्रेस के शासनकाल की थी या फिर नौकरियों की जो बात की जाए वो पिछली सरकार के समय थी। कृषि बजट पढ़ा जा रहा है तो कृषि मंत्री जो हैं किरोड़ीलाल मीणा नहीं है, हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी जगह KK बिश्नोई हैं, वो सदन में थे। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है अपना